अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट वहीद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का चैनल वहीद ऑनलाइन। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब करने का बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल के आइकॉन को क्लिक कीजिएगा, इससे यह होगा कि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ होंगी आपको उनका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलें आपको लेकर चलते हैं हमारी मेन वीडियो की तरफ। दोस्तों कभी कभी ये होता है कि हमारे मोबाइल की डेटा सारी उड़ जाती है, या तो ये होता है कि हमारा मोबाइल ही गायब हो जाता है। तो अगर हमारा नया मोबाइल है और उसमें हम अपने कॉन्टैक्ट्स को वापस ला के रखना चाहें तो वो किस तरह से ला के रख सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स को हमेशा हमेशा के लिए किस तरह से महफूज करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने कॉन्टैक्ट्स में चले जाएँगे, और कॉन्टैक्ट्स में जाने के बाद हमने जो है सिंपल यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है इस तीन डॉट्स पे, इस पर टैप करूँगा। उसके बाद हम सेटिंग पे चले जाते हैं। सेटिंग पे जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, तो हम इस पे जो है चले जाएंगे। इस पे जाने के बाद हमारे पास एक्सपोर्ट का नीचे ऑप्शन आ रहा है, हम इस पे जो है टैप करेंगे। उसके बाद हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक डिवाइस स्टोरेज का, एक सिम स्टोरेज का। तो हम डिवाइस स्टोरेज पर जो है क्लिक कर देंगे। जो ही हम क्लिक करेंगे हमारी फाइल जो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी, और हमारी ये फ़ाइल एक्सपोर्ट होकर सीधा चली जाती है आपके फाइल मैनेजर में, या आप यूँ कह लें कि इंटरनल स्टोरेज में। तो ये हमारी फ़ाइल जो ये 100% एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इस फाइल को हम देख लेते हैं कि आया ये आई भी है या नहीं है, अगर आई है तो फिर ये कहाँ पर मौजूद है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने फ़ाइल मैनेजर में चले जाते हैं, और उसके बाद हम सिंपली इंटरनल स्टोरेज पे चले जाएंगे। और यहाँ पे जाने के बाद आप अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा यहाँ पर contacts.vcf। लाजमी नहीं है कि आपके सामने भी contacts.vcf लिखा हो, लेकिन आपके सामने कुछ अगर नंबर लिखे हैं और आखिरी में .vcf है तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। अब इस फाइल को हम तीन जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। पहला, तो अगर हम दूसरे मोबाइल में इन कॉन्टैक्ट्स को लेके जाके रखना चाहते हैं तो इस फाइल को हम सिंपली ब्लूटूथ करके भेज देंगे। दूसरा, हम ये कर सकते हैं कि इस फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं या USB में सेव करके रख सकते हैं। दोबारा हम जिस मोबाइल में भी डालना चाहें तो वहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे तो उसके बाद हम इसको इजीली वापस डाल सकेंगे। तीसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम इसको किसी भी ऑनलाइन स्टोरेज पे सर्विस पे रख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये करने वाला हूँ कि मैं इसको ऑनलाइन रखने वाला हूँ, क्योंकि अगर कभी भी हम अपने मोबाइल किसी और मोबाइल से कभी भी किसी भी जगह पे अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो हम सिंपली जो है ऑनलाइन इसको डाउनलोड करके फिर यूज़ कर सकते हैं। याद रहे कि ऑनलाइन ये कॉन्टैक्ट सिर्फ आपके पास होंगे, किसी और के पास नहीं होंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ, रखने वाला हूँ अपने गूगल की ड्राइव पर। तो ये गूगल की ड्राइव है जिसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब दोस्तों फ़र्ज़ करें आपके पास गूगल का अकाउंट ऐड नहीं है या आपके पास नहीं बना है, तो आप सिंपली अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाएंगे, उसके बाद क्लाउड्स एंड सेटिंग्स में अकाउंट्स में जाएंगे, यहाँ पे अकाउंट्स पे क्लिक करें, उसके बाद एड अकाउंट पर क्लिक करें, और यहाँ पर आप सिंपली जो है गूगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है ऑप्शंस आ जाएंगे। या तो आपका गूगल का अकाउंट बना होगा या आप जो है न्यू बना सकते हैं। तो आप अपना न्यू अकाउंट गूगल का अगर बनाना चाहें तो ये आपके सामने जो ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ न्यू अकाउंट, आप इस पर क्लिक करके अपना जीमेल का नया अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपने का अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप सिंपली जो है जो ही अपनी ड्राइव में जाएंगे तो आपसे ये कहेगा कि लॉगिन हो जाएं। चूँकि मैं लॉगिन हूँ, मेरे जीमेल का अकाउंट खुला हुआ है, तो ऑटोमेटिक आप लॉगिन हो जाएंगे अगर आपकी जीमेल की आईडी इसमें खुली हुई है, यानी कि प्ले स्टोर अगर आपका खुला हुआ है। तो इसको यहाँ पे अगर मैं अपनी फ़ाइल को महफूज करके रखना चाहता हूँ ऑनलाइन स्टोरेज में, जो कि माई ड्राइव गूगल वालों की तरफ से है 15 GB, तो इसमें हम रखने के लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली प्लस के बटन पे टैप करेंगे, उसके बाद अपलोड पे मैं क्लिक करूँगा। और अपलोड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे। आपके सामने हो सकता है कि इस तरह से रिसेंट का ऑप्शन आ रहा हो, तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर तीन लाइन्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके जो मोबाइल का नाम है आपने उस पर जो है क्लिक कर देना है। जो ही मैंने क्लिक किया तो मेरे सारे जो है फोल्डर्स और फाइल्स आ गई। तो यहाँ पे हमारी नीचे अगर हम जाएंगे तो हमारी फ़ाइल आ रही होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं contacts.vcf। अब मैं इस पर सिंपल ऐसे क्लिक करूँगा और उसके बाद जो है ये अपलोड होना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये हमारी फ़ाइल जो है वो अपलोड हो गई है। यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन हमें अभी भी दे रहा है, ये फ़ाइल हमारी जो है सॉरी अपलोड हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अगर थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपके फ़ाइल जो है वो आके यहाँ पे पड़ी होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉन्टैक्ट्स की फ़ाइल जो है हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा ये मोबाइल गुम हो गया या इस मोबाइल से डाटा उड़ गया तो हम उस फाइल को वापस कैसे लाएं। तो उसका तरीका सिंपल यही है कि आप सिंपली जो है अपने जो ड्राइव है गूगल की ड्राइव उसको ओपन करेंगे, जो कि हर मोबाइल में मौजूद होती है। उसके बाद अपने सिंपल जो है माई ड्राइव में आ जाएंगे जब आप, तो आपके सामने इस तरह से कॉन्टैक्ट्स आ रहे होंगे। आपने इस पर जो है ऐसे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद ये आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं
डायरेक्टली जो है डाउनलोड हो जाते हैं। ठीक है, डाउनलोड नहीं भी होते तो आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। मैं यहाँ पे आपको दोबारा बताता हूँ, मैं इस पर तीन डॉट्स पे क्लिक करके इसको जो है यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकता हूँ। जो ही मैं डाउनलोड करूँगा ये फाइल हमारी डाउनलोड आके होके हमारे फिर से वापस उसी फाइल में फाइल मैनेजर में आ जाएगी, यानी कि इंटरनल स्टोरेज में आ जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टैप करेंगे, उसके बाद माय फाइल्स में जाएंगे। अब ये कॉन्टैक्ट सेव करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि नए मोबाइल में किस तरह से कॉन्टैक्ट्स वापस लाते हैं। उसके बाद इंटरनल स्टोरेज पे मैं टैप करूँगा तो हमारी जो कॉन्टैक्ट्स वाली फाइल है वो पड़ी होगी। हम जो ही इस पर टैप करेंगे उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन देता है कि इसको सेव करना है या कैंसिल करना है। तो आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप सेव करना चाहें तो सेव पे क्लिक करें, आपके कॉन्टैक्ट्स जो इस मोबाइल में आ जाएंगे सारे। अगर आप सेव नहीं करना चाह रहे हैं तो उसके बाद जो है आप इसको सिंपल कैंसिल कर दें। मैं कैंसिल कर रहा हूँ, कैंसिल करने की वजह यह है कि मेरे पास ऑलरेडी ये सारे कॉन्टैक्ट्स इसी मोबाइल में मौजूद हैं। तो दोस्तों ये है एक आसान सा तरीका जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने कॉन्टैक्ट्स को हमेशा के लिए महफूज कर सकते हैं और कभी भी वापस हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आपके सामने इस के नीचे जो है रेड कलर का बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा। मज़ीद अगर आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप इस वीडियो के नीचे जाके हमें हमसे जो है पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।